नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। आदर्श नगर जिला कांग्रेस द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने विपक्ष पर लगाए कई आरोप। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में डिजिटल कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर रविवार को जिला आदर्श नगर में जिला अध्यक्ष मनोज यादव द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में उनके अनेक कांग्रेस नेताओं ने शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। कार्यकर्ता सम्मेलन के उपरांत आदर्श नगर जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने जनमत की पुकार से बात की। मनोज जी, काफी दिनों बाद कांग्रेस की ऐसी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। देखो, जनता आम आदमी पार्टी और बीजेपी की दोनों सरकारों से त्रस्त आ चुकी है। इनके झूठे वादों से, इनके खोखले वादों से जनता परेशान है। और काट की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। जनता को इन्होंने दिया क्या? दिल्ली जो शीला जी के नेतृत्व में 15 साल में हमने संभाली थी, उस दिल्ली को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। तो लोगों की एक समझ में आ गया कि कुछ झूठ बोलते हैं, झूठों की सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली को नशे की राजधानी बनाने जा रहे हैं, तो जनता इसके खिलाफ बहुत है। ये इनकी जो पॉलिसी है, ये बिल्कुल इनको लेके डूबेगी। और आप देखेंगे कि निगम में, तीनों निगम में हमारी सरकार बनेगी, और जनता की सेवा का कार्य जो पहले शीला जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा था, वो फिर से शुरू होगा। क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाएंगे सर? नहीं, मुद्दे यही है। मुद्दा इनका शराब की नीति का मुद्दा है, दूसरा इनके भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना काल में जो लाशें लाइनों में लगी हुई थी उसका मुद्दा है, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे उसका मुद्दा है, बिना बेड के लोग मर रहे थे उसका मुद्दा है, और इनके झूठे वादों का मुद्दा है। दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया, एक स्लम बना के रख दिया, ये मुद्दा है। अगर केजरीवाल जी जब बाहर जाते हैं अन्य राज्यों में, मॉडल की बातें करते हैं, दिल्ली मॉडल दिखाते हैं। नहीं, दिल्ली का कौन सा मॉडल दिखाते हैं कि बरसात में हर रोड पे, हर सड़क पे, हर अंडर ब्रिज पे पानी भरा है, ये मॉडल दिखाते हैं? या कोरोना काल में मरते हुए लोगों को दिखाते हैं जहाँ बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ये मॉडल दिखाते हैं? दिल्ली की जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, इनके घर पे धरने पे बैठी हुई हैं, और पंजाब में जाके कहते हैं कि हम आंगनबाड़ी के वर्कर्स को परमानेंट करेंगे, यहाँ तनख्वाह नहीं दी जा रही, डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं दी जा रही। दिल्ली मॉडल क्या है इनका? सिर्फ भ्रष्टाचार, झूठे वादे, और क्या दिल्ली मॉडल है? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।